हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम जा रहे हैं डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज और रेनबो फॉल्स की ओर। डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज के लिए आपको पहले तिरना गांव पहुंचना पड़ेगा, जो कि सौरा से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन क्योंकि रोड खराब है जिसकी वजह से आपको 45 मिनट लग जाएंगे। रास्ते में आपको खाने की कोई तकलीफ नहीं होगी, रास्ते में जगह जगह आपको स्टॉल मिल जाएंगे जहाँ से आपको खाने पीने के सामग्री मिलते रहेंगे, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। तिरना से जब ट्रैक शुरू होता है सो वहाँ से आपको लगभग 3,500 सीढ़ियाँ नीचे उतरनी होती है। ट्रैक तीन हिस्सों में डिवाइडेड है। पहला पार्ट है लॉन्गेस्ट लिविंग रूट ब्रिज, दूसरा है डबल डेकर एंड द थर्ड वन द लास्ट वन इज रेनबो फॉल्स। पहला स्टॉप है लॉन्गेस्ट लिविंग रूट ब्रिज रिटमन, जो कि नोंगथिमाई गांव में है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे आपको दिखेगा एक गांव, और वहीं है जहां पे लिविंग रूट ब्रिजेस है और हमें वहीं जाना है। सो लगभग 45 से 50 मिनट पैदल चलने के बाद हम नोंगथिमाई गांव पहुंच गए, जहां पे सबसे लंबा लिविंग रूट ब्रिज है जिसका नाम है रिटमन। रास्ते में आपको ऐसे बहुत से सस्पेंशन ब्रिजेस मिलेंगे जहाँ से नज़ारा बहुत ही शानदार रहेगा, और आप चाहें तो यहाँ पे नीचे उतर के नहा भी सकते हैं। इधर नेचुरल स्विमिंग पूल, उधर तो नहा रहे हैं लोग। तू भी यहाँ नहा सकता है। ट्रैक शुरू में बहुत ही आसान लगेगा, क्योंकि बिगिनिंग में आपको सिर्फ नीचे ही उतरना है। द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट वुड बी टू कम बैक एंड असेंड। नोंगथिमाई गांव से लगभग 40 से 45 मिनट दूर था डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज, और फाइनली हम वहां पहुंच गए। सो जब आप डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज पहुंचेंगे तो होता क्या है कि 10 में से 7 बंदे आगे रेनबो फॉल्स की ओर नहीं जाते, क्योंकि या तो वो थक चुके होते हैं या उनके पास समय नहीं होता है। बट आई टेल यू इट्स वर्थ इट। लेकिन उससे पहले यादों के लिए कुछ तस्वीरें खींच ली जाए। एक घंटे लगेंगे आपको डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज से रेनबो फॉल्स के लिए, बट आप जरूर जाइएगा। हम लोग शुरू में स्केप्टिकल थे, लेकिन बट देन वी डिसाइडेड टू गो अहेड। डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज से आप जब आगे निकलेंगे तो
तो आपको सिर्फ दो स्टॉल्स ही मिलेंगे। सो अगर आप भूखे हैं तो आप मेक श्योर कि आप पहले कुछ खा लें, बिकॉज आपको दूसरा स्टॉल आधे घंटे तक नहीं मिलेगा, एंड देन द लास्ट स्टॉल विल बी एट रेनबो फॉल्स। डबल डकर लिविंग रूट ब्रिज से निकलने के बाद रास्ता थोड़ा कच्चा हो जाता है, बट यही तो इस ट्रक की खासियत थी। मैं भी 45 मिनट और लगे गए हैं। कौन बोला? लिखा है उसमें बोर्ड में। And after walking for one long hour, we finally reached Rainbow Falls. मेघालय में मानसून बहुत जल्दी आ जाता है, मई में ही आ जाता है, सो मई से सितंबर पे रेनबो फॉल्स का जल स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आप यहाँ नहा नहीं सकते। बट अगर आप अक्टूबर से अप्रैल तक आ रहे हैं सो आप यहाँ पे नहा सकते हैं, बट मेक श्योर यू डू ब्रिंग वार्म क्लोथ, बिकॉज पानी काफ़ी ठंडा होता है और आप लिटरली काँपेंगे जब आप अंदर जाएंगे, तो लगभग 5-10 मिनट ही रहेंगे तो शरीर काँपना शुरू हो जाएगा, तो मेक श्योर यू ब्रिंग वार्म क्लोथ। पड़ रहा है तो पता चल रहा है। रेनबो फॉल से आप अगर शाम को वापस आ रहे हैं तो शाम को आप डबल डकर लिविंग रूट ब्रिज के पास एक फुटबॉल मैदान है जहाँ पे आप बच्चों को फुटबॉल खेलता हुआ देख सकते हैं। मुझे तो बड़ी भूख लगी हुई थी, इसलिए मैं तो गया चुपचाप से एक स्टॉल पे और वहाँ पे बैठ के मैंने दाल रोटी का आनंद लिया। लगभग पार्किंग एरिया के पास पहुँचते ही मैं रास्ता भटक गया था। हुआ गया था कि बच्चे शाम को आपको रोक लेते सीढ़ियों पर और पाइनएप्पल बेचते, तो जब मैंने उनसे पाइनएप्पल ख़रीदा तो वहाँ पर डाइवर्जन था और जाना था मुझे सीधे, बट मैंने ले लिया लेफ्ट। बट फ़ायदे की बात यह थी कि जैसे ही मैंने लेफ़्ट लिया तो मुझे एक रास्ते पे एक चर्च दिखा और वहाँ से सीढ़ियाँ ख़त्म हुई और रास्ता वहाँ से फ्लैट था, लेकिन मुझे 3 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलना पड़ा पार्किंग एरिया तक। Is this the way to the root bridge? Yeah. Okay. Thank you. उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। ला तुम।